आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस करने के लिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने इन एक्सरसाइज को ट्राई किया तो रिजल्ट आपको 100% मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। ये जो एक्सरसाइज आपको मैं बताने वाली हूँ, तो ये एक्सरसाइज आपको पहले फॉलो करना है अच्छे से। आपने पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइज की होगी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला होगा। लेकिन इन एक्सरसाइज को देखने के बाद ये मत समझना कि ये भी एक्सरसाइज ऐसी ही है जैसे हमने पहले जो ट्राई करी थी उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये भी ऐसी होगी, ऐसा मत समझ लेना। एक बार इनको ट्राई कर लेना और 15 दिन के लिए लगातार फॉलो कर लेना जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ, और फिर देखना रिजल्ट। एक अपनी फोटो पहले की निकाल लेना 15 दिन पहले की, और एक फोटो निकालना जब 15 दिन तक आपने लगातार इन एक्सरसाइज को किया, और उसके बाद की अपनी फोटो मिला के देखना, तब आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आएगा और 15 दिन के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सी है और आपको ईमानदारी से इनको फॉलो करना है जैसे मैं बताती हूँ। तो पहली एक्सरसाइज में आपको सीधे खड़े होना है, हाथों को ऐसे रखना है और जंप करना है। देखिए बड़े ध्यान से कैसे करना है। एक मिनट के लिए कंटिन्यू करना है, बीच में रुकना नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज, ये भी आपको एक मिनट के लिए कंटिन्यू फॉलो करनी है, बीच में रुकना नहीं है। ऐसे झुकना है, हाथों को सीधे रखना है और उसके बाद कमर के पीछे ले जाना है इस तरीके से, और ऐसे आपने एक मिनट तक करना है। थर्ड एक्सरसाइज में आप इस पोजीशन में आ जाएंगे और हम जो नी पुशअप होते हैं वो लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। अपनी लेग्स को ऐसे भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करिए। तो नी पुशअप, जब आप 10 पुशअप कर लें तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें इस तरीके से। जब तक आपका एक मिनट पूरा नहीं होता तब तक आप पुशअप लगाते रहेंगे। जैसे 10 पहले आपने लगा लिया, फिर रेस्ट ले लिया, उसके बाद 10 फिर से करेंगे तो आपका एक मिनट कंप्लीट हो जाएगा 2-3 राउंड में। तो इस तरीके से आप नी पुशअप करिए। फोर्थ एक्सरसाइज, तो उसमें आप इस तरीके से अपनी जो आपकी लेग्स है हल्का सा बेंड करेंगे और इस तरीके से आप लेट जाएंगे। सबसे पहले तो आप इस तरीके से लेटेंगे, अपने इस हाथ को नीचे रखें, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हाथ अपना नीचे रखेंगे ऐसे, तो इस हाथ को आपने ऊपर रखना है, यानी इस एल्बो को ऊपर उठा लेना है, जमीन से नहीं लगाना है, और इस तरीके से आपको दूसरे जो आपका हाथ है उसकी हेल्प से नीचे जाना है, ऊपर जाना है। आपका जो हिप एरिया है वो जमीन पे ही रहेगा, उसे नहीं उठाना है इस तरीके से। कम से कम 10 रैप्स करेंगे आप एक साइड में, आप दूसरी साइड में। तो अब आती है आपकी लास्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को भी बड़े ध्यान से आपको देखना है और फिर आराम से आपको करना है। देखिए कैसे आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आप अपनी कंधों से लगाएंगे इस तरीके से, एक बार ही लगाना है। मैं 2 बार आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। उसके बाद लगाने के बाद आपको एक साइड में मूव कर जाना है इस तरीके से, एक हाथ को सीधा ऊपर उठाना है ऐसे,
एक दो सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस, फिर इस तरीके से अपने हाथों को कंधों से लगाएंगे और फिर दूसरी साइड मूव कर जाएंगे। हाथ को सीधा ऊपर उठाना है, एक दो सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस, फिर हाथों को अपने कंधे से दोबारा लगाएंगे और दूसरी साइड में मूव कर जाएंगे। अब मैं जल्दी से आपको करके दिखा रही हूं। तो ये एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताई है बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले बड़े ध्यान से देखना है, फिर इनकी प्रैक्टिस करना है और उसके बाद करना शुरू करना है। तो पहले दिन ऐसा नहीं करना कि नहीं नहीं हमसे हो भी नहीं रही है और फिर आप ज़्यादा करते जाओ आपसे मतलब हो नहीं रही है। तो धीरे धीरे आपको पहले सीखनी है इनको और फिर आपको टाइम बढ़ाते जाना है। जितना टाइम मैंने आपको बताया है मतलब दूसरे तीसरे दिन से आपको उतना करना शुरू कर देना, दो तीन दिन तक आपको अच्छे से आ जाएगा। और उसके बाद जब आप इस टाइम में भी बिल्कुल ढल जाओ, आपको ये लगे कि ये टाइम भी कम पड़ रहा है, उसके बाद और टाइम आपने बढ़ा देना है और 15 दिन तक पक्का आपकी कितनी भी ब्रेस्ट साइज बड़ा हो कम हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज स्पेशल आपके जो ब्रेस्ट साइज बड़ा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए है। तो जरूर ट्राई करें और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।